गाइस, सो वी आर बिगनिंग द रिवीजन लेक्चर सीरीज ऑफ ऑल द रिवीजन लेक्चर्स ऑफ चैप्टर्स ऑफ जीएसटी एंड कस्टम्स सी एस एस सी एम चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ये। सबसे पहले ये रिवीजन लेक्चर्स को आपको कैसे यूज करना हो बता देता हूं मैं ये सुपरफास्ट लेक्चर है कुछ भी आप नाम दे दो मैराथन नाम दे दो सुपर फास्ट जब तक आपका हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन इन लेक्चर की तरफ नहीं है टॉपिक गायब हो जाएगा बहुत फास्ट है लगभग लगभग आठ घंटे में पूरा इंडर टैक्स पूरा जीएसटी प्लस कस्टम्स जी हां लगभग पूरे आठ घंटे में तो डेफिनेट सी बात है ये लेक्चर्स आपको एग्जाम डे एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्प करने वाला है पर सिंस आई हैव टू रेस्ट्रिक्ट टू अराउंड एट आवर्स ओनली क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ड्यूरेशन हुआ अगर पंद्रह घंटे का लेक्चर हो गया तो लास्ट डे ये इतना यूज़ नहीं आ पाएगा इनफैक्ट इनफैक्ट इन लेक्चर्स को आप आपने अगर आपने अगर दो तीन बार सुन लिया दो तीन बार अगर लिंक कर दिया तो खत्म सब्जेक्ट माहौल होगा एकदम सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है एग्जाम्स के अंदर कि वो, वो वन एंड हाफ डे कैसे रिवीजन करे ये लेक्चर्स बहुत हेल्प करेंगे आपको सेकंड थिंग सेकंड थिंग ये रिवीजन लेक्चर्स अगर आपने लिंक कर दिए अपनी बुक से तो जब भी आप इंडारेक्ट टैक्स का रिविजन करेंगे जो नॉर्मली टाइम लगता है उससे फिफ्टी परसेंट टाइम लगेगा गारंटीड थर्ड बात सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है एग्जाम हॉल में जब आप जाते हो जब एग्जाम का आप पेपर लिखते हो आंसर लिखते हो थ्री आवर्स आपको मिलते हैं जी हा कई सालों की मेहनत उन तीन घंटों में रंग लाती है पर वहां प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब क्वेश्चन देखते हो तो वहां पे फट से एकदम एकदम क्वेश्चन देखते ही क्लिक करना चाहिए आंसर की कौन से सेक्शन का है कौन से चैप्टर का है अगर आपने फास्ट रिवीजन लेक्चर्स दो-तीन बार सुन लिए जितना हो पाया इन लेक्चर्स को कंसंट्रेशन से अगर आपने देख लिया तो वो क्वेश्चन का आंसर एकदम क्लिक करेगा और फटाफट आपका पेपर होगा ओके okay? तो ये सर रिवीजन लेक्चर शुरू करते हैं हम और इनको जितनी बार आप देख सको देख लीजिएगा कंसंट्रेशन से इनफैक्ट आप अगर रिव्यूज़ देखेंगे इन लेक्चर्स के शानदार आपकी डिमांड के लिए ये नए प्लस आपने स्टूडेंट तो था उसने तो इनफैक्ट जॉगिंग करते वक्त भी इन लेक्चर्स को सुना है बच्चों ए आर वन सिद्धांत भंडारी उसका इंटरव्यू देखा होगा इनफैक्ट कई सारे स्टूडेंट कई सारे फ्रेंड्स का आपने जब बात किया होगा उनका जब रिव्यू लिया होगा आपने तो उनसे पता पड़ा होगा ये रिविजन लेक्चर्स बहुत हेल्प करते हैं इनफैक्ट आपने जो मेरे लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो भी देखे होंगे डेफिनेटली पर आपकी डिमांड से मैं नए रिविजन लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ फुली अमेंडेड ध्यान से सुनीगा शुरू कर रहा हूँ रिविजन लेक्चर आपके लिए सबसे पहले जीएसटी लेके आ रहा हूं मैं जी में चैप्टर वन जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी क्लियर जीएसटी कब आया कैसे आया कौन, कौन से टैक्स्यूम हुए मेन बात जो चैप्टर टू से शुरू होती है वो मैं शुरू कर रहा हूं चैप्टर टू सप्लाई लेवी जीएसटी कब लगता है लेवी वगैरह ये प्रोविजन आ रहे हैं आपके सामने तो आपके सीट बेल्ट बांध दीजिए पूरा ध्यान इधर होना चाहिए हंड्रेड परसेंट बहुत फास्ट आएंगे लेक्चर्स आराम से कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा पर अगर आपने एक बार इनको ध्यान से सुन लिया सेकेंड टाइम सेकेंड टाइम आपको अपने आप मेरे साथ वो वर्ड्स याद आएंगे ओके okay? तो शुरू कर रहे हैं हम लेक्चर सबसे पहली बात सर सेक्शन नंबर नाइन लेवी सेक्शन नंबर नाइन सर कोई भी टैक्स लगता है तो उसके लिए चार्जिंग सेक्शन चाहिए सेक्शन सेक्शन नंबर सब ऑफ क्या सी जी एस टी शेल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई वोट गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एलको लिकर फॉर ह्यूमन कंजन एट द रेट विच विल बी नोडिफाइड बाई देंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल

ट्वेंटी परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच गुड्स और गुड्सर बोथ एंड इट शेल बी पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन पर सबसेक्शन टू ये बोलता है कि पांच गुड्स हाजी ियम वाले पांच गुड्स इन पे जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल और वो डेट अब तक नोटिफाई नहीं हुई है मतलब इन पांच गुड्स पे भी जीएसटी लेवी नहीं होता है वो पांच गुड्स कौन से? कौन से पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन एज पेट्रोल नेचुरल गैस और एफिशियन टर्बाइन फ्यूल तो सर ये पांच गुड्स पे जीएसटी लेवी नहीं होता है प्लस एक गुड जो हमने में पढ़ा एल्कोल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये छह गुड्स जीएसटी लेवी नहीं होता है इसलिए इन छह गुड्स की सप्लाई को बोलते हैं है। एग्जिट होता है वो अलग चीज है ये तो है, क्लियर लेवी ही नहीं होता है सब। बोलता है रिवर्स चार्ज वाला गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बहुत जहां पर

टे रिवर्सिज्मे तो उस रेसिपेंट पे एज इफ इज दस लाइबल टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली और एट प्रेजेंट वो रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाई कर दिया पहले सेक्शन वन नाइन सबसे जनरल था सारे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए था पर अब केवल नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए वो भी नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ लिए अगर उसने से किया तो और वो नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो ऑन दिकमेंडेशन ऑफ दी एस काउंसिल वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर, सर्विसे सर्विसे कर सकता है और उन नोटिफाइड सर्विसेज को अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया क्लियर तो ऐसे केस में जैसे ओला उबर वगैरह अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया तो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज के केस में ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एजीव इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज उसको मानेंगे एजीव इज द सप्लायर एंड सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट ECU पे लगेंगे और वही लायबल होगा और हां वही लायबल होगा और हां वही लायबल होगा यहाँ पे तीन पॉइंट है अगर उस ECU का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो वही लायबल होगा पर अगर उस ECU का मान लो फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो इंडिया में है उस पे सारे प्रोविजंस लगेंगे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर ना उसका फिजिकल प्रेजेंस है इंडिया में ना उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है इंडिया में तो ही विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ पर सर टैक्स तो उस ईसी को ही पे करना पड़ेगा सारे प्रोविजन उसी पे लगेंगे सप्लायर ऑफ सच सर्विस औरवन में पढ़ेंगे पर देता हूँ एक तो क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो याद है रेडियो ओला उबर वगैरह रेडियो टैक्सी मोटर के मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल देन होटल रिकमेंडेशन ओयो रूम्स याद है बेटा आपको यस एंड देन साहब क्या अर्बन क्लेब डॉट कॉम हाउस कीपिंग सर्विसेज माहौल ये था सेक्शन नंबर नाइन लेवी वाला सेक्शन आई होप यू गोट द पॉइंट प्लस सेम सेक्शन सेक्शन नंबर फाइव दे रखा है आई जी एस टी एक्ट में ध्यान देना सेक्शन नंबर नाइन जो सी जी एस टी का था उसमें क्या है इंटर स्टेट सलाय लिखा है क्या लिखा है वहां पे इंटर स्टेट सप्लाई बस वहां पे सेक्शन नंबर फाइव में एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा है और उसमें लिखा है क्या अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है तो जिस मोमेंट पे जिस टाइम पे कस्टम लगता है उस कस्टम के साथ में आई जीएसटी भी लेवी भी होगा आपको पता होगा साहब सेक्शन सेक्शन नंबर सब ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट आई जीएसटी लेवी होता है क्लियर बाकी सेक्शन एब्सोल्युटली सेम है जो कहा लिखा है सेक्शन में सी जी एस एक्ट में लिखा है वही सेक्शन फाइव ऑफ द आई जीएसटी एक्ट है इंटरस्टेट सप्लाई इंटरसेट पर है। पे लगता है क्या आई जीएसटी एस टी इंट्रा पे लगता है सी और एस या फिर यूटी जीएसटी एंड हाँ ध्यान रखना यहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कैन बी ट्वेंटी परसेंट इन सी जी एस टी एंड एस जी एस टी एंड उधर में इट कैन बी फोर्टी परसेंट क्लियर डन ओके सरकार सबसे पहली बात हो इंटर स्टेट हो स्पीड बढ़ने वाली धीरे इंटर स्टेट हो, या, हो लेवी है सप्लाई so तो वॉट डू मिन बाय माता की जय होने वाली है शानदार पॉइंट आने वाला है सप्लाई सेक्शन नंबर सेवन ने डिफाइन किया सेक्शन नंबर सेवन डिफाइन करता सप्लाई को सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन के बैठेगा सेक्शन नंबर सेवन सबसे सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए बी और सी क्लोज नंबर ए बोलता है सप्लाई सप्लाई मींस नहीं लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए बी सी ए बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल एक्सचेंज बाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वोट गुड्स और सर्विस और बोथ वेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड बायर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन दर्स और फर्द ऑफ बिजनेस आई रिपीट सप्लाई शुड बी फॉर अंसिडरेशन प्लस इट शुड बी इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस सर मान लो मान लो आपने फ्री सर्विस दी या आपने फ्री गुड्स बांटे तो सप्लाई नहीं है इस पर क्लोज नंबर ए देखते आगे क्लोज नंबर बी या सी में कवर होता है तो प्लस अगर इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है भले ही कंसिडरेशन है तो फिर भी सप्लाई नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना

for a consideration whether or not in the course or furtherance of business bali in the course or furtherance of business ho ya nahi ho par agar apne services import kari goods import karne pe custom lagta hai services import kari for a consideration yes wo bhi supply hoga aur gst lagega example netflix.com agar aapne out of india की किसी website से कोई video subscribe किया, तो sir website वाला out of india है, आप india में हो, online information और database access और retrieval services आपने लिए out of india से india में hai clear और ऐसे के सप्लाई होगा भली वो आपने वीडियो जो सब्सक्राइब सबस्क्रा, किए वो हिंदी कोर्स और फर्द बिजनेस नहीं थे पर्सनल फिर भी सप्लाई है और ऐसे के इसमें जीएसट लगेगा क्लियर अच्छा रिवर्स लगेगा कि कौन टेक्स पे करेगा बात करेंगे बात क्या क्लोज न सी की सर देखो आपने क्लोज में ए में पढ़ लिया कंसिडरेशन भी होना चाहिए प्लस इंदी कोर्स और, और बिजनेस भी होना चाहिए क्लोज में बी बोला कोई बात नहीं कोर्स और, और बिजनेस नहीं है कंसिडरेशन होना चाहिए क्लोज में सी बोलता कोई बात नहीं वो ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल नंबर वन में कवर है उन में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो सप्लाई होंगे मतलब यहां पे फ्री सप्लाई है तो भी वो जीएसटी के लिए होगा सप्लाई के अंदर कवर होगा सेक्शन नंबर सेवन सबसे कितने चार विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल वन और उन ट्रांजेक्शन को अगर अपने विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई किया तो भी सप्लाई होगा और सर शेड्यूल वन में क्या क्या लिखा है बेटा फर्स्ट परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट ऑफ़ द बिजनेस वेर आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड जिन असेट का आपने आईटीसी लिया उसको अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया डिस्पोज ऑफ कर दिया ऑल दो विदाउट कंसिडेशन तो भी क्या होगा सप्लाई होगा क्लोज में भी भूलता है क्या सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू इज रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंग डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है बेटा सेम पेन नंबर पे दो अलग सेम पेन नंबर पे दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन उसको बोलते हैं क्या डिस्टिंक्ट पर्सन तो उन्होंने अगर आपस में फ्री सप्लाई भी किया ब्रांच ट्रांसफर इंटरस्टेट क्लियर तो ऐसे केस क्या होगा सप्लाई होगा प्लस पर

दिल्ली ऑफिस ने जब वो एयरक्राफ्ट के इंजीनियर पार्ट्स परचेज किए होंगे तो उस पर जीएसटी पे, पे क्या होगा अब जब वो ट्रांसफर कर रहा है ब्रांच को मुंबई ब्रांच को तो अगेन जीएसटी लग रहा है तो जो परचेज पे जीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा ओके सेकंड सर्कुलर यह है बेटा कि अगर जब मैंने एयरक्राफ्ट के इंजीनियर पार्ट भेजाऊंगे दिल्ली ब्रांच से मुंबई ब्रांच सिंस दोनों पर्सन है दोनों अलग अलग स्टेट में दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है सप्लाई तो हो गया पर सर कैसे भेजोगे मैंने क्या यहां से ऐसे फेंक दिया वहां पहुंच गए नहीं ना तो सर यहां से वहां भेजने के लिए मैंने कोई मोड ऑफ कन्वेंस यूज किया होगा या तो फ्लाइट से भेजाऊंगे मैंने या मैंने ट्रक से भेजा होंगे या मैंने कार से भेजा होंगे कई सारे गुड्स नॉट ओनली एयरक्राफ्ट पर सर मैं तो कह रहा हूँ कोई भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जब गुड्स ट्रांसफर करता है तो मोड ऑफ कन्वेंस अगर ट्रांसफर किया जैसे कार से भेज दिया ट्रक से भेज दिया रेलवे से भेज दिया क्लियर एयरक्राफ्ट से बेच दिया तो क्या एयरक्राफ्ट सप्लाई कर दिया क्या क्या वो ट्रेन सप्लाई कर दी क्या क्या वो ट्रक सप्लाई कर दी क्या नहीं तो मोड ऑफ कन्वेंस कर रहा है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच गुड्स ले जा रहा है और वहां वो गुड्स ड्रॉप करके वापस आ रहा है बेटा तो ट्रक सप्लाई नहीं हुआ है मोड ऑफ कन्वेंस नहीं हुआ है जो गुड्स वहां गया है वो है परमानेंट वो सप्लाई मोड ऑफ कन्वेंस नहीं है हाँ, अगर हमने ट्रक भी परमानेंट भेज दी होती वो मोड ऑफ कन्वेंस भी आपने बोला परमानेंट तुम ब्रांच पर दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया तो ऐसे कैसे वो सप्लाई होता अदरवाइज सप्लाई नहीं है और हाँ एक रूप इसमें लिखी थी कि अगर मान लो मैंने दिल्ली ब्रांच से कोई ट्रक में सामान बॉम्बे ब्रांच भेजा होता मुंबई ब्रांच भेजा होता और मुंबई ब्रांच में उस ट्रक का रिपेयरिंग किया होता वहां पर रिपेयरिंग के एक्सपर्ट बैठे थे उसने उस ट्रक का रिपेयरिंग कर लिया तो रिपेयरिंग इज अ सर्विस इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस टू योर डिस्टिंग पर्सन क्योंकि ट्रक थी दिल्ली वालों की और ट्रक का रिपेयरिंग किसने बॉम्बे वाले ने तो रिपेयरिंग विल बी ए सप्लाई ऑफ सर्विस उस पे लग जाएगा जीएसटी साहब एक और सर्किट था इसके रिगार्डिंग कि अगर मान लो हम बड़ी बड़ी क्रेन्स याद है क्लास में एग्जाम्पल दिया था रिग्स टूल्स रिपेयरिंग मशीन हम क्या करते हैं बड़े बड़े प्लांट का रिपेयरिंग करते हैं अब बड़े प्लांट का रिपेयरिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमने एक मोबाइल वर्कशॉप बनाया मोबाइल वर्कशॉप मतलब मोबाइल का वर्कशॉप नहीं हो चौधरी साहब मोबाइल का वर्कशॉप नहीं चौधरी बार सामने मारा होगा हाँ पता लोग अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मोबाइल वर्कशॉप मतलब ऐसा वर्कशॉप एक बड़ी ट्रक जिस जिसपे हमने क्या किया रिपेयरिंग की मशीन क्रेन रिग्स टूल्स पार्ट सब रख दिया बेटा अब हम क्या करते हैं जहाँ पे रिपेयरिंग का हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उस प्लांट के पास प्लांट पे हम जाते हैं वो मोबाइल वर्कशॉप लेके जाते हैं क्लियर और वहाँ से रिपेयरिंग करके वापस आ जाते हैं साहब तो जो हमने उस पर रिग्स टूल्स पार्ट्स किट्स रखे हमने जो भी या क्रेन रखी है वो क्रेन सप्लाई थोड़ा हुआ बेटा क्लियर वो जो मशीन हमने रिपेयरिंग रखी थी वो सप्लाई नहीं हुआ यार हमने क्या किया उनसे रिपेयरिंग के चार्ज लिए होंगे तो रिपेयरिंग इज अ सर्विस सप्लाई सर्विस में कवर हो जाएगा जो भी कंज्यूमर उसमें कंज्यूम हो गए वो सर्विस का पार्ट बनेगा प्लस अगर हमने यही मोबाइल वर्कशॉप हमने डिस्टिंग पर्सन को भेजा होता टेम्पररी तो अगेन डिस्टिंग पर्सन को हमने भेजा तो परमानेंट तो भेजा नहीं बेटा टेंरी भेजा है, तो साहब ऐसे केस में जो ट्रक वहां जा रहा है या क्रेन वहां जा रही वो नहीं Clear, वो mode of अगर जाता है और वापस क्योंकि नहीं होता सेम वे वो रिपेयरिंग मशीन के लिए भी लगेगा साहब कोई भी गुड्स क्लियर सेम प्रोविजन लगेंगे ओके okay, प्लस अब बात आती है क्या शेड्यूल में थे हम बेटा हमने तीनों सर्कुलर कर लिए अब सुना बच्चों ध्यान से शेड्यूल वन हम पढ़ रहे क्या चार ट्रांजेक्शन जो विदाउट विदाउटेशन फिर भी क्या होगा सप्लाई होगा उसका थर्ड ट्रांजेक्शन साहब सुनना सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल प्लस सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वो भी क्या होगा सप्लाई होगा और सप्लाई है तो क्या लग जाएगा बच्चों जीएसटी लगेगा uh, सर इसका भी सर्कुलर आया हुआ है क्लेरिफाई किया हुआ है मतलब ये है Principal ने एजेंट को सप्लाई किया जहां पे एजेंट इज अंडरटेकिंग टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल मतलब कस्टमर को जो बिल जा रहा है वो एजेंट अपना खुद का बिल दे रहा है बेटा तो ऐसा केस में एजेंट कस्टमर को अपना खुद का बिल दे रहा है एजेंट खुद का बिल दे रहा है बेटा कस्टमर को मतलब एजेंट ने बेचा कस्टमर को अब एजेंट के पास गुड्स आया कैसे प्रिंसिपल से आया ना तो ऐसा मानेंगे कि प्रिंसिपल ने जब एजेंट को गुड्स भेजा था तो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई कर दिया है मान लेंगे और एजेंट ने कस्टमर को बेचा ऐसा मानेंगे बेटा क्लियर समझे मेरी बात तो प्रिंसिपल ने जो बिल पे जीएसटी लगाया उसका आई लेगा ले ले कौन एजेंट और एजेंट आगे बेच देगा किसको कस्टमर को ओके okay. प्लस प्लस अगर एजेंट कस्टमर को जो बिल दे रहा है वो प्रिंसिपल का ही बिल दे रहा है बेटा मतलब प्रिंसिपल का ही बिल एजेंट दे रहा है किसको कस्टमर को तो ऐसे केस में गुड्स कस्टमर को बेचा किसने प्रिंसिपल ने बेचा बेटा तो ऐसे केस में एजेंट ने तो गुड्स बेचा ही नहीं तो ऐसे केस में सिंपली क्या हो गया वो एजेंट केवल एक कमीशन टाइप एजेंट हो गया बेटा और वो कमीशन का बिल लिखेगा किसको प्रिंसिपल को उसी पे जीएसटी लगेगा ऐसे केस में वो एजेंट ये जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया ये एजेंट शेड्यूल 1 में कवर नहीं है प्रिंसिपल जब एजेंट को गुड्स भेजेगा उसको सप्लाई नहीं मानेंगे अगर प्रिंसिपल का ही बिल जा रहा है कस्टमर के पास बेटा क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल ही कस्टमर को बेच रहा है एजेंट तो कस्टमर को बेच ही नहीं रहा है बेटा क्लियर और हां जहां पे एजेंट अंडरटेक करता है टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल टू दी कस्टमर तो ऐसे केस में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पर सेक्शन नंबर ट्वेंटी ओके सर अब बात आती है क्या अच्छा ध्यान रखना वो एजेंट भले ही सी एंड एफ एजेंट हो हो डेल क्रेडर एजेंट हो या कैसा भी एजेंट हो एक और बात, क्या करता है प्रिंसिपल को गारंटी देता है पेमेंट की प्रिंसिपल को गारंटी देता है पेमेंट की और उसके लिए प्रिंसिपल एजेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन देता है ये हो अब होता है क्या बेटा इसके अंदर मान लो एक करोड़ का माल था एक करोड़ का माल प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया और एजेंट ने कस्टमर को दिया बेटा अब अगेन फंडामेंटल कर रहा है कस्टमर को अगर कस्टमर को एजेंट का बिल जा रहा है मतलब एजेंट ने कस्टमर को बेचा बेटा अब एजेंट एजेंट ने कस्टमर को को बेच दिया क्लियर प्रिंसिपल के से जाएगा बेटा तो उसको सप्लाई मान लें लेंगे और एजेंट ने जब कस्टमर को बेचा तो उसने सप्लाई किया ये मान लेंगे बेटा अब होता है क्या बेटा इसके अंदर प्रिंसिपल बोलता है मेरे को पेमेंट अभी चाहिए पर एजेंट को कस्टमर क्या बोलता है मैं दो महीने का क्रेडिट uh, चाहिए मेरे को दो महीने का उधार चाहिए उसके बाद में पेमेंट करूंगा अगर आपको ऐसा कोई डील है तो ऐसे केस में क्या होगा एजेंट कस्टमर को बोलेगा तो दो महीने का मैं उधार तो दूंगा पर तेरे को इतना अमाउंट में मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो इंटरेस्ट चार्ज लेता ले दो महीने का क्लियर अच्छा प्रिंसिपल को पेमेंट कौन कर रहा है बेटा एजेंट एजेंट तो प्रिंसिपल को इमीजिएट पेमेंट कर रहा है पर कस्टमर एजेंट को पेमेंट दो महीने बाद करेगा बेटा उसके लिए कस्टमर से एजेंट ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया अब साहब वो इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा दिस इज द क्वेश्चन इसके लिए सर्कुलर आया अब अगेन फंडा वही लगाइए कौन सा

कस्टमर एजेंट को पेमेंट करेगा दो महीने बाद उसके लिए एजेंट क्या चार्ज करेगा इंटरेस्ट तो देखो अब यहां पे एजेंट ने तो सप्लाई किया नहीं कस्टमर को तो ऐसे केस में एक तरह से ये मान लेंगे कि एजेंट ने कस्टमर को लोन दिया दो महीने का और लोन दिया उसके लिए इंटरेस्ट इंटरेस्ट होता है तो उस जीएसटी एग्जीबिट होता है मेगा एक्सिबिश लिस्ट में ऐसा दिया आपको बताया बेटा क्लियर डन ओके आइए सर शेड्यूल वन शेड्यूल वन में हम पेर नंबर फोर पे आ गए अब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन पहले हाँ टैक्सेबल पर्सन था अब टैक्सेबल पर्सन हटा दिया बाय पर्सन मतलब भले ही वो जिसने इंपोर्ट किया सर्विसेज बोली रजिस्टर्ड हो या नहीं हो कवर होगा इस क्लोज के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन फ्रॉम इज रिलेटेड पर्सन और अदर एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया उसकी कोई एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया है या उसका रिलेटेड पर्सन आउट ऑफ इंडिया है उससे कोई सर्विसेज उसने इंपोर्ट करी है इन द कोर्स और फर्दर इन बिजनेस तो अगेन ये सप्लाई होगा ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडेशन तो क्या लग जाएगा ऑल दो विदाउट कंसिडेशन सप्लाई में कवर हो गया शेड्यूल वन में कवर हो गया क्या लग जाएगा जीएसटी क्लियर डन बच्चों ध्यान रखना यह था शेड्यूल वन चार ट्रांजेक्शन आई होप यू गोट एंटायर पॉइंट अच्छा ब्रदर आपका भाई ब्रदर सिस्टर वगैरह रिलेटेड आप, आपके लिए तभी होंगे अगर वो आप पे डिपेंडेंट ध्यान रखना बेटा क्लियर रिलेटेड वर्ड का ध्यान से पड़ेगा बेटा आप लोग ओके सर नेक्स्ट आता है क्या सेक्शन नंबर सेवन ए बी था इन दी कोर्स बी इंपोर्ट सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन वेदर क्लोज नंबर सी शेड्यूल वन के चार ट्रांजेक्शन ऑल विदाउट कंसिडरेशन फिर भी क्या होंगे सप्लाई होंगे आ रहा है सेक्शन नंबर सेवन सबसे वो बोलता है क्या अगर कोई ट्रांजेक्शन जो सेक्शन वन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी सप्लाई है उसमें अगर डिस्प्यूट है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है तो जिन इंडस्ट्री में डिस्प्यूट था उस इंडस्ट्री के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए शेड्यूल टू लेके आए और वो वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल में कवर है वो या तो क्या -के कवर है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल जल्दी बताओ ट्रांसफर ऑफ गुड्स ऑनरशिप ट्रांसफर है सेकंड सर राइट इन यूज दिया है मैंने अनडिवाइडेड शेयर्स इन गुड्स ट्रांसफर किए क्लियर विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल तो सप्लाई ऑफ सर्विस क्लियर एग्जाम्पल लीज थर्ड साहब आपने कस्टमर को गुड्स दिया है जहां पे वो पेमेंट आपको करेगा ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस या एनी अदर मैकेनिज्म जहां पे ऑनरशिप शैल ट्रांसफर ऑन अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट तो ऐसे केस में सिंस ऑनरशिप शैल ट्रांसफर है तो क्या होगा सर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो जब इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स के प्रोविजन पर लगेंगे सेकंड पेरा बोलता है लैंड और बिल्डिंग आपने रेंट पे दिया लीज पे दिया लाइसेंस पे दिया टेनेंसी राइट दिए

देन आता है थ्री जो वर्क वाला आपने किसी और की गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया है तो ऐसे क्या होगा ट्रांसफर ऑन द डायरेक्शन बिजनेस क्लियर क्या है सप्लाई है वेदर सप्लाई तो है पढ़ लिया था बेटा वेदर और नॉट फॉर अंसिडरेशन क्लियर क्या होगा सप्लाई ऑफ गुड्स होगा अच्छा वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन देखो बच्चों

विदाउट कंसिडरेशन किसी को बिजनेस असेट ट्रांसफर किए तो अगर उनका आईटीसी लिया होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा तो ही सप्लाई होगा क्योंकि शेड्यूल वन, वन में लिखा है क्या कि अगर आपने आईटीसी लिया है बिजनेस का और उसको परमानेंट ट्रांसफर किया है तो ही वो सप्लाई होता है बेटा क्लियर सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा सेकंड अगर आपने बिजनेस या सेट किसी और को यूज करने के लिए दे दिए एनी परपज अदर देन बिजनेस प्राइवेट यूज के लिए दे दिए तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस होगा क्योंकि आपने टेम्परिरी ट्रांसफर किया बेटा वेदर नॉट फॉर अ अंसिडरेशन

क्लियर और बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है तो ऐसे केस में वो नहीं क्योंकि anyways, आप अब लाइबल नहीं तो, तो लाइबल है क्लियर तो फाइव पेरा नंबर फाइव क्या बोलता है दिल थाम की बेटी कहा यह डिक्लेयर में जो था वहां से उठा के लेके आया सेक्शन सिक्स एफ ऑफ सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट क्लियर वहां से उठा के लेके बेटा ये लोग सुना ध्यान से क्लोज नंबर नंबर इसमें छह ट्रांजैक्शन है सारे सप्लाई ऑफ सर्विस है फर्स्ट रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ सर्विस देन दिल थाम के कंस्ट्रक्शन सर्विस ज्यादा है बट आपको कंस्ट्रक्शन सर्विस फ्लैट बनाया है मैंने मान लो एक बिल्डिंग बनाई नाम क्या है मंगल टावर सेवेंटी फ्लैट उसमें बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या first is earlier, तो सेवेंटी फ्लेट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस फ्लेट हो या ऑफिस हो कमर्शियल प्लेस हो कोई भी हो सर क्लियर या फिर मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई है मैंने आपके लिए कॉम्प्लेक्स बनाया वो भी क्या होगा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा क्लोज बी में लैंग्वेज क्या सुना ध्यान कंस्ट्रक्शन ऑफ अम्प्लेक्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर सिविल स्ट्रचर और पार्ट एयर ऑफ कोमा कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होली और पार्टली कोमा वेयर दी एंटायर कंसिडरेशन इज सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच अव रेज अर्लियर इसे कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो जिस स्पीड से मैंने लाइन बोली उसी स्पीड से आपका क्लोज भी डेफिनेटली रिवाइज होगा हंड्रेड परसेंट क्लियर जहां पर पूरा का पूरा कंसिडेशन कंपिटिशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्युपेशन के बाद आ रहा है तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं होता है जैसे सो में से थर्टी फ्लैट बुक हुई नहीं एक भी रुपया पहले रिसीव नहीं हुआ बिफोर ग्रांड ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन फर्स्टेशन बीच उससे पहले एक भी रुपया रिसीव नहीं हुआ तो सर वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे पर सेवेंटी फ्लैट या सेवेंटी ऑफिसेज कुछ भी कमर्शियल प्लेस मान लो आप तो ऐसे केस में जिसके लिए बुकिंग हो गया है पैसा आ गया है भले एक रुपये क्यों ना आयो ऐसे केस में वो सेवेंटी फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएंगे देन आता है क्या क्लोज नमर सी सर <coughs> टेम्प्रेरी ट्रांसफर और परमानेंट टेम्प्रेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर सर्विस अपग्रेड किया टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एग्री टू अब्लिकेशन टू रिफ्रेंड फ्रॉम एन एक्ट

शुड बी इन रिलेशन टू इमोवल प्रॉपर्टी बेटा ध्यान रखना क्लियर देन आता है क्या रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस एक्सेप्ट लिकर क्योंकि लिकर फॉर ह्यूमन कंजर्वेशन बेवड़ो पे क्या बेवड़ो पे जीएस नहीं बेवड़े जो पीते ना बेटा दारू उस पर जीएसट नहीं है तो सर रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस क्या अगेन

सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए फीस लिया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा और उसको बोलते हैं कैश कॉल अब वो कैश कॉल जो है वो अगर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है मतलब रिफंडेबल है इन्वेस्टमेंट टाइप हो गया बेटा वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होता है कोई सप्लाई नहीं हो तो प्योर ट्रांजेक्शन मनी हो गया पर अगर वो कैश कॉल ट्रांजेक्शन इन इन द फॉर्म ऑफ सर्विस है बेटा रेवेन्यू नेचर का बेटा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूश नहीं है रेवेन्यू नेचर का जिस मेंबरशिप फी होती है नॉन रिफंडेबल सर्विस फी वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा बेटा क्लियर आइए सर ये था शेड्यूल टू पूरा खत्म होता है अब अच्छा एक दो बात और जो सर्कुलर थे वो भी मैं कवर करता हूँ साथ में अच्छा टी मैंने बता दिया आपको क्लब या एओपी का मैंने सर्कुलर आपको समझा दिया है अब आता है क्या अगर आपने कोई भी मशीनरी या कोई भी गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करी टेम्प्ररी लीज पे हायर पे रेंट पे तो ऐसे केस में उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे और वो शिडिल टू जो मैंने बताया ना राइट टू यूज या राइट टू यूज उसमें कवर होता है सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा बेटा और उस पर रिवर्स चार्ज मै में, में जीएसटी लगेगा बस ध्यान रखना कस्टम के अंदर ये नोटिफिकेशन देख बोला हुआ है कि अगर टेम्परी कोई गुड्स इंपोर्ट था लीज पे है लाइसेंस पे रेंटल पे तो उस पर ड्यूटी एक्जेंट होती है कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है और एनीवेज सर्विस चार्ज भी क्या लग जाएगा जीएसटी लग जाएगा बेटा क्लियर ये था आपका शेड्यूल टू प्लस रिलेटेड सर्कुलर आइए बच्चों अब बात करता हूं आपसे एक और सर्कुलर हाँ और सर्कुलर है सर सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज सिक्योरिटी लैंड करी आपने तो जिसने भी सिक्योरिटीज लैंड करी है तो जिसने बोरो करी है उसने सर्विस फीस दी होगी कि किसको लेंडर को तो सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम जो होती है बेटा तो जो लैंडर है उसने सिक्योरिटीज लैंड किया है उसके अगेंस्ट में बोरोर ने क्या किया होगा उसको फीस दिया होगा <coughs> तो जो फीस दिया है दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस क्योंकि उसने सिक्योरिटी बेची नहीं है टेम्प्रेरी दी बेटा क्लियर ये सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी में नहीं कवर होता है सेल ऑफ सिक्योरिटी गुड्स या सर्विस के स्कोप में नहीं आता है पर ये सेल ऑफ सिक्योरिटी नहीं है ये टेम्प्रेरी दिया है कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद में वापस से सिक्योरिटी वो रिटर्न करेगा अलोंग विद देयर कॉर्पोरेट बेनिफिट्स क्लियर और वो

गवर्नमेंट जो अपने आ, पता है कई सारे व्हीकल्स वगैरह सीज कर लेती है ओल्ड फर्नीचर्स जो भी गवर्नमेंट ने सीज गुड्स या ओल्ड फर्नीचर ओल्ड गुड्स जब गवर्नमेंट बेचता है गवर्नमेंट बेचता है तो अगर परचेज करने वाला पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में तो रिवर्स चार्ज लगता है और वहां रेसीपेंट लाइव होता है टैक्स पे करने के लिए रिवर्स चार्ज में बेटा क्लियर अभी गुड्स के रिवर्सार्ज में होता है गुड्स का रिवर्स आपके सिलेबस में नहीं आता इसलिए सर्कुलर के थ्रू मैंने आपको अपॉइंट आया था मैंने समझाया पर अगर रेसिपेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो रिवर्स चार्ज नहीं है तो ऐसे कैसे फॉरवर्ड चार्ज बेटा फॉरवर्ड चार्ज में कौन टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद टैक्स पे करेगा बच्चों क्लियर डन ओके सर ये था सेक्शन सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन ए शेड्यूल टू प्लस रिलेटेड सर्किल सारे प्लस अब आ रहा है सेक्शन नंबर सेवन

इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है एज ए डायरेक्टर इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर सर्विस दी है तो सर डायरेक्टर फी पे जी लगता है वो भी रिवर्स चार्ज मैं में कंपनी पे करती बेटा या बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करता है क्लियर तो इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लोई अगर सर्विस दी है एम्प्लोई ने एम्प्लॉयर को तो उस पर जी नहीं लगेगा सेकेंड बोलता है क्या कोर्ट फी कोर्ट ट्रिब्यूनल ने जो फीस चार्ज करी है उस पर जी नहीं लगता है थर्ड देश के नेता लोग इनको जो ऑनरे uh, मिलता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा इसमें तीन पॉइंट है एम पी एम एल ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंचायत म्यूनसिपालिटी या लोकल बॉडी के मेंबर्स जो इलेक्शन के थ्रू नेता लोग इनको जो फीस मिलता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर कोई बॉडी बनाई है जैसे चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके आप डायरेक्टर हो या आपने कोई पोस्ट होल्ड करी उस पोस्ट की वजह से आपको कोई पेमेंट मिलता है तो उस पर जीएसटी नहीं आ, लगेगा एंड थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई बॉडी बनाई है जैसे आईसीएआई आईसीएसआई इसके चेयरमैन हो आप डायरेक्ट आप मेंबर हो या आप कौन हो साहब इसके प्रेसिडेंट हो आपको जो, या सेंट्रल काउंसिल से मेंबर हो आप अगर उस पोस्ट की वजह से कोई फीस अगर आपको मिलती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा उस कैपेसिटी में जो फीस मिल रही है उस पर जीएसट नहीं लगेगा देन आता है क्या साहब अंतिम सेवा फ्यूनरल ब्यूरल क्रमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज कोई जीएसटी नहीं लगेगा सेल नेक्स्ट है क्या सेल ऑफ एम्यूएबल प्रॉपर्टी सेल ऑफ एम्यूबल प्रोपर्टी लैंड या बिल्डिंग सेल किया है उस पर जीएसटी नहीं है एक्सेप्ट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन आपने बुकिंग करा ली थी बेटा पैरा नंबर फाइव क्लोज में भी क्लियर उस केस में जीएसटी लगेगा बाकी सर केस में सेल ऑफ पे कोई जीएसटी नहीं लगता देन पैरा नंबर बोलता है क्लेम्स इसके सप्लाई पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा पर इसमें एक्सेप्शन नाला क्या एक्सेप्ट बैटिंग गेमलिंग और लॉटरी खेलते हो ना बेटा जुआ ओ बिंग लॉटरी पे जीएसटी लगता है बेटा ध्यान रखना देन पैरा नंबर सेवन और एट कहता है क्या बच्चों अगर कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो आप और अगर आउट ऑफ इंडिया से गुड्स आ रही है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से परचेज किया और इंडिया में आने से पहले आपने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ही बेच दिया उसको तो ऐसे केस में सप्लाई नहीं होगा देन अगर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट कर लिया कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में आपने स्टोर कर लिया और कस्टम बॉन्डेड वेरहाउस से क्लियर करने से पहले ही आपने उस गुड्स को किसी और को बेच दिया तो वो भी सप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऐसे केस में जब वो कस्टम बॉन्डेड वेरहाउ से बाहर निकलेगा तो जो पर्सन ने परचेज किया जब गुड्स को क्लियर कराएगा फॉर होम कंजम्पशन तब कस्टम पे करेगा तभी वो आईजीएसटी भी पे कर देगा बच्चों तो सर जब वेयरहाउस में आपने बेचा किसी दूसरे पर्सन को तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा ऐसा यहां पे कहा है एंड लास्ट बोला है क्या अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और आपने हाईसी में ही किसी को बेच दिया हाईसी में बेच दिया मतलब गुड्स आ रहा है इंडिया में पर इंडिया में आने से पहले ही आपने क्या कर दिया किसी और को बेच दिया तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं होगा क्योंकि जब इंडिया में आएगा तो जिसने परचेज किया होगा लास्ट में तो जब वो क्लियर करेगा तब नहीं आई जीएसटी पे करेगा तो तीन ट्रांजेक्शन कस्टम रिलेटेड यहाँ पे दिए वापस बोल रहा हूँ मैं एक तो क्या दिया बच्चों आपने क्या किया जापान से परचेज किया और अमेरिका बेच दिया इंडिया में लाया ही नहीं साहब सप्लाई नहीं है सेकंड इंडिया में ले आए वेयर हाउस में रख दिया और वेयर हाउस में ही है गुड्स को क्लियर नहीं करवाया कस्टम मोडेड वेयर हाउस में और वहीं पे किसी को बेच दिया अगेन सप्लाई नहीं है और थर्ड इंडिया में गुड्स आ रहा है पर हाईसी में है इंडिया में आने से पहले ही आपने किसी और पर्सन को बेच दिया तो ऐसे कैसे में वो भी सप्लाई नहीं है यहां शेड्यूल थ्री ये ट्रांजेक्शन इधर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे ये टर्न में भी काउंट नहीं होता बेटा ये एग्जेट नहीं है ये सप्लाई ही नहीं है लिएग्रीगेट टर्न ओवर के स्कोप में ये नहीं आते देन आता है क्या सर सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन टू क्लोज नंबर बी की वो सारे ट्रांजेक्शन जो सप्लाई नहीं होंगे सर उसमें नंबर बी बोलता है क्या सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि उन रिकमेंडेशन दी जीएसटी काउंसिल दे में नोटिफाई सडन एक्टिविटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी परफॉर्म करता है एज अ पब्लिक अथॉरिटी उसको नोटिफाई करके बोल सकता है कि दीज आर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और एट प्रसेंट दो ट्रांजेक्शन नोटिफाई किए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी ने ऐसा कोई काम किया है जो आर्टिकल नंबर टू फोर थ्री डब्ल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मुंसिपालिटी काम है या आर्टिकल नंबर टू फोर थ्री जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पंचायती काम है वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेट्री ने परफॉर्म किया है तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी या लोकल ने परफॉर्म किया तो ऐसे केस में सप्लाई नहीं होगा और यही काम अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया तो सप्लाई तो होगा पर मेगा एग्जाम लिस्ट में लिखा है वो एग्जाम बेटा तो यहाँ पे क्या लिखा है सर्विसेज कौन सी जो आर्टिकल नंबर टू फोर थ्री जो म्यूनिपाल्टिटी काम है या आर्टिकल नंबर टू फोर थ्री जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पंचायती काम है वो किसने किया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन या लोकल अथॉरिटी परफॉर्म किया है तो वो सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आएगा और सेकंड जो लास्ट टाइम एड किया था बेटा दारू जो बेचते हैं ना बेटा सर उसके लिए लिकर लाइसेंस चाहिए होता है स्टेट गवर्नमेंट देता है बेटा तो सर इस पर बहुत लंबा डिस्प्यूट था बड़ा सर्विस टैक्स टाइम से उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्जीशन दे दिया मतलब एक्जीशन दिया उसको सप्लाई के स्कोप से बाहर निकाल दिया और बोल दिया क्या सर लेकर लाइसेंस फी जो लेकर सेल करने के लिए जैसे बाहर होते हैं जाते होंगे ना क्लियर है सर नहीं जाने का बार होते हैं या जितने भी दारू के ठेके होते बेटा उनको लीकर लाइसेंस फी देना पड़ता है गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को तो उस स्टेट गवर्नमेंट ने जो चार्ज लिया है उसके लिए फी चार्ज किया एप्लीकेशन फी चार्ज किया उस जीएसटी नहीं लगेगा पर ये केवल लीकर लाइसेंस के लिए किसी और लाइसेंस फी के लिए नहीं बेटा क्लियर डन ये सेक्शन में सेवन सब सेक्शन टू खत्म होता है अब अच्छा एक आता था सर्कुलर था सर्कुलर यहा था बेटा जैसे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है बेटा फोरम जो होता है जिसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं क्या सर कंज्यूमर कोर्ट उसने तो फी चार्ज किया है वैसे वो पर्टिकुलरली कोर्ट नहीं है बेटा पर हां सर्कुलर ने बोला है कि वो काम कोर्ट के करता है और जैसे कोर्ट वर्किंग करता है वही सारे पावर उसको दे रखे हैं इसलिए जो कंज्यूमर रिडिशनल कमीशन ने या फोरम ने जो आपसे चार्ज किया है हम उस कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या फोरम ने जो आपसे चार्जेस लिए उस कंज्यूमर कोर्ट ने जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे वो भी शेड्यूल थ्री में कवर है साहब क्लियर डन साहब आइए सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन थ्री बोलता है क्या गवर्नमेंट को पावर है कि वो चाहे तो ऑन दी रिकमेंडेशन दी जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करके बोल सकता है कि ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा और एट प्रेजेंट सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन थ्री का पावर यूज करके कोई नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया क्योंकि इस तरह का डिस्प्यूट को अभी तक आया नहीं बचो इसी के साथ भारत पता की जय सेक्शन नंबर सेवन पूरा सप्लाई खत्म होता है अब अलॉन्ग विद ऑल दी सर्कुलर्स आइए सेक्शन नंबर एट क्या बोलता है साथ?

सप्लाई विच गिव्स इट मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स द सप्लाई विच द प्रिंसिपल्लाई उसमें क्लासिफाई करेंगे एग्जाम्पल के लिए मान लो आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो आप ट्रांसपोर्ट भी करते हो लोडिंग अनलोडिंग भी करते हो पैकिंग अनपैकिंग भी करते हो तो इसमें मेन एसेंशियल और लिए चार्जेस कॉमन चार्ज किया बिल में अलग अलग चार्ज भी कर दी है पर आपने सप्लाई साथ में किया बेटा ऐसे तो case में ये क्या होगा कंपोजिट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है अब इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है ट्रांसपोर्टेशन इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट सर्विस में क्लासिफाई करेंगे और पूरे अमाउंट को ट्रांसपोर्टेशन की जो फीस

क्या होता है सर जैसे बस या ट्रक जो बनाता है बेटा उसने मान लो चेसिस वगैरह इंजन वगैरह सब बना दिया है बस उसकी बॉडी नहीं बनाई बेटा क्लियर तो आपने देखा होगा कई बार बस बॉडी बिल्डिंग का काम करता है कोई पर्सन जैसे आपके पास ट्रक है मान लो खाली ट्रक उसमें कोई बॉडी नहीं आप देखा होगा कि एक केबिन होता है ड्राइवर का उसमें ड्राइवर बैठा होता है और ट्रक चल रही होती है बेटा क्लियर और कोई पर्सन क्या करता है उसका बस बॉडी बिल्डिंग बनाता है उसमें मटेरियल भी उसका होता है और लेबर भी इसका होता है इस पर सर्कुलर था पहले और बोलता था क्या इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस सप्लाई ऑफ गुड्स अच्छा कंपोज़िट सप्लाई है पर इसमें सर्क्यू था वो बोलता नोटिफिकेशन दिया है और नोटिफिकेशन दिया है क्या? नहीं सप्लाई ऑफ सर्विस होगा बच्चों हाँ है ना और सर ध्यान ना इस पर आई सी ने आर टीपी में एक क्वेश्चन भी दिया था जो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में क्वेश्चन में कवर भी किया बेटा और वहां साफ साफ आई सी ने भी आंसर सप्लाई सर्विस मानते हुए दिया बेटा इसको ओके सर आइए देन सेक्शन नंबर एट के अंदर एक और बोला है क्या मिक्स सप्लाई अच्छा मिक्स सप्लाई क्या होता है मोर देन वन ऑफ़ सर्विस और बोथ आर मेड टूगेदर जो ऑर्डनरी सप्लाई नहीं होता है पर आपने बंडल सप्लाई किया है और फीस कॉमन चार्ज किया सिंगल प्राइस चार्ज किया है

ग्राउंड फ्लोर सेकेंड क्या सर फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर अब एक बंगलो है क्या क्या? सर रेंट रेंट मतलब, क्या क्या? कुछ पोर्शन काम लिया कमर्शियल पर्पज के लिए कुछ पोर्शन काम लिया रहने के लिए और आपको है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस एक्सेंट होता है पर इफ यूज नॉट फॉर रेजिडेंस तो टैक्स हो जाएगा बेटा वो पर ऐसे केस में उसने रेंट कॉमन चार्ज किया टू लाख रुपये और उसने क्या किया है उस बंगलो को यूज किया दोनों परपज के लिए ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में में साथ सप्लाई नहीं होता है ये कंपोजिट सप्लाई नहीं ये क्या है मिक्स सप्लाई और मिक्स सप्लाई अगर होता है तो हाईएस्ट लाइविलिटी थी पूरे रेंट पे मान लो रेंट था टू लाख रुपए दोनों फ्लोर का एक साथ तो ऐसे केस में मिक्स सप्लाई हो गया क्योंकि सिंगल प्राइस है बेटा अलग अलग प्राइस होता बेटा तो मिक्स नहीं होता तो रेस्पेक्टिव प्राइस रेस्पेक्टिव टैक्स सिंगल प्राइस है बेटा तो हो गया मिक्स सप्लाई और ऐसे केस में टू लेख पर हाईएस्ट टैक्स मतलब रेजिडेंस में क्लासिफाई करेंगे तो एक्सेंट और कमर्शियल यूज में क्लास करेंगे टैक्सेबल तो पूरे पे टैक्सेबल का रेट लग जाएगा और और रेंटिंग ऑफ की रेट से टैक्स लग जाएगा उस पे क्लियर पूरे है हाँ ना डन एक मान लो आप किसी चॉकलेट की शॉप पे गए अब चॉकलेट की शॉप पे क्या मिलता है so, चोकलेट, चोकलेट, सर चॉकलेट अरे चॉकलेट सर बिस्किट वेफर्स ड्राई फ्रूट्स मान लो ये सब मिलते हैं उसने क्या किया कॉम्बो पैक बनाया बेटा और कॉम्बो पैक बना के दो हजार रुपए में सेल कर दिया होता ना दीपावली गिफ्ट आइटम वगैरह इस तरह के होते हैं जब पैकिंग में होते हैं अब ऐसे केस में सारे आइटम्स बिजनेस साथ में सप्लाई नहीं होती थी क्या है मिक्स सप्लाई क्योंकि सिंगल प्राइस चार्ज किया अलग प्राइस चार्ज करता तो ये बात नहीं आती सिंगल प्राइस चार्ज किया मिक्स सप्लाई में आ गया अब उन गुड्स में हाईएस्ट जो रेट होगी वो पूरे टू थाउजेंड लगा देंगे और अकॉर्डिंग जीएसट लग जाएगा इसी के साथ चैप्टर नंबर टू सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर एट ऑफ दी जी एस टी एक्ट खत्म होता है अब प्लस साथ में सेक्शन नंबर फाइव ऑफ दी एस टी हमने पढ़ लिया बेटा इसी के साथ चैप्टर टू पूरा भारत माता की जय सारे सर्कुलर खत्म होते हैं अब आई होप ये रिविजन लेक्चर आपको हेल्प कर रहा है बच्चों क्लियर ध्यान देना बच्चों आप जितनी बार रिविजन लेक्चर देखेंगे उतनी बार सर आपके कॉन्फिडेंस को ये इंक्रीज करेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा एग्जाम टाइम में आपको हेल्प करता जाएगा और आपको ये लेक्चर जब पसंद आता है आप लोग जब मुझे इसमें कमेंट लिखते हो मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं आपके कमेंट्स को जब टाइम मिलता है तो देखता हूं अगर कोई क्वेरी हो कोई पॉइंट हो आप इसमें लिख सकते हो सर क्लियर थैंक यू सो मच अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि नए लेक्चर आ गए हैं देखिए इनको और अच्छे से पढ़ाई करें बी एनर्जेटिक आपने इस टाइम को यूज करना है थैंक यू सो मच ऑल दी बेस्ट थैंक यू चैप्टर टू खत्म होता है अब